दोस्तों यूं तो भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें मौजूद हैं जहां से विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत में ही कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां पे भारतीय पर्यटकों का ही आना वर्जित किया गया है। आज मैं आपको ऐसी पांच जगहों के बारे में बताऊंगा जो भारत में मौजूद हैं लेकिन वहां पे भारतीय पर्यटकों का जाना मना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर वन, फ्री कासोल कैफे, कासोल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कासोल में स्थित इस कैफे में ग्राहकों की काफी भीड़ लगी रहती है। साल 2015 में इस होटल पर आरोप लगाया गया था कि यहां सिर्फ इजरायली लोगों को ही एंट्री मिलती है। कैफे में एक भारतीय महिला को अंदर जाने पर भी रोक दिया गया था। नंबर टू, यूनो इन होटल, बेंगलुरु। शहर में ये होटल 2012 में बनाया गया था। इस होटल में केवल जापान के लोग ही जा सकते थे। भारतीयों के लिए इस होटल में नो एंट्री थी। होटल के शुरू होने के 2 साल बाद ही नस्लीय भेदभाव के आरोपों के चलते इस होटल को बंद कर दिया गया था। नंबर थ्री, रेड लॉलीपॉप हॉस्टल, चेन्नई। चेन्नई स्थित रेड लॉलीपॉप हॉस्टल भी अपनी सेवाओं के चलते नस्लवाद के आरोपों से घिरा हुआ है। हॉस्टल में एंट्री के लिए किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में भारत के आम नागरिकों के लिए यह हॉस्टल अपनी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है। होटल का दावा है कि वह पहली बार भारत आने वाले पर्यटकों को सेवा प्रदान करता है। नंबर फोर, ओनली फॉरेनर्स बीच, गोवा। समुद्र किनारे बसा गोवा देश और विदेश के टूरिस्टर्स से भरा रहता है। कई देशों के लोग यहाँ घूमने व अपनी छुट्टी मनाने आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसी कई समुद्री बीच हैं जहाँ से विदेशी पर्यटकों को ही एंट्री दी जाती है। देश के पर्यटकों पर इन बीचों पर जाना बैन लगा हुआ है, जिसमें से एक बीच है ओनली फॉरेनर्स बीच, गोवा। अब वक्त आ गया है नंबर फाइव और हमारी आखिरी जगह का। हमारी आखिरी जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि लोकेटेड है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एक आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां सिर्फ आदिवासी निवास करते हैं। यह द्वीप बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखता है। साल 2018 में एक अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचारक के मौत के बाद यह द्वीप चर्चा में आया था। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर रह रहे आदिवासियों की संख्या महज 100 के करीब है। इस द्वीप पर बाहर से आए हुए किसी भी व्यक्ति का जाना वर्जित है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा नंबर का फैक्ट इनमें से अच्छा लगा। प्लीज़ हमको बताइएगा कमेंट करके, और ये भी बताइएगा अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।